मुरादाबाद मंडल के 3 दिवसीय दौरे पर आई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हेलीकॉप्टर द्वारा रामपुर की पुलिस लाइन पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जहां पुलिस के जवानों ने सलामी देकर उनका स्वागत किया। सलामी के बाद पुलिस लाइन पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। मौके पर आला जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लाइन से रजा लाइब्रेरी के लिए रवाना हुई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अच्छा क्वेश्चन का उत्तर जो आता है वही पहले लिखने की शुरुआत करें और शांति से पेपर लिखें, इधर उधर मत देखिए। आपका आपने जो तैयारी की होगी वैसा ही प्रश्न पत्र आता, इसमें कुछ अलग नहीं आता है। और इसी वजह से बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप शांति से पेपर लिखिए और पूरा 3 घंटा यूज़ कीजिए। धन्यवाद। दूसरे दिन मुरादाबाद जनपद पहुंची। मुरादाबाद में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और पीतल कारीगर और निर्यातकों की तारीफ की। साथ ही इस पीतल कारीगरों से उत्पाद तैयार होने की प्रक्रिया को भी समझा। उसके बाद राज्यपाल किसी प्रशिक्षण केंद्र में जैविक खेती अपनाने वाले प्रगतिशील कृषकों से भेंटकर कृषकों से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कहा। इसके पश्चात राज्यपाल तहसील सदर पहुंची, जहां उन्होंने पौधारोपण करने के साथ तहसील में चल रहे समाधान दिवस में पहुंचकर पीड़ितों की फरियाद सुनी, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिया। इसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भेंटकर चेक सौंपे। वहीं मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाज को गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो छोटे छोटे गरीब परिवार के पिछले लोगों का जो बच्चे उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्राइमरी एजुकेशन से भी ज्यादा ध्यान आंगनबाड़ी में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ से ही बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में जाते हैं। हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में ध्यान देते हैं, कॉलेजों में ध्यान देते हैं, करोड़ों रुपया ग्रांट देते हैं यूनिवर्सिटियों को, लेकिन जब आंगनबाड़ी आती है तो आंगनबाड़ी को बहुत ही कम मिलता है। इधर जरूरी है, बहुत ही जरूरी है आंगनबाड़ी का, यही कम देते हैं। और इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबसे पहला ध्यान उस पर होना चाहिए, आंगनबाड़ी पर होना चाहिए और समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए।